अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी शेयर करेंगे आपके साथ करण जौहर के हवाले से एक खास खबर। आपको बताना चलूँ उसके इस बार अपने वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ करण जौहर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़। जी हाँ, फिर आपको बताया चलें कि हम सबके फेवरेट और उनकी फिल्में भी हम सबकी फेवरेट हैं, क्योंकि करण जौहर जैसी फिल्में बनाना हो, उसे जिस तरीके की स्टोरी लाइन और जितनी इंटरेस्टिंग उनकी स्टोरीज होती है, शायद ही जो है वो कोई इस तरीके का जो है वो फिल्म मेकर हो जो इस तरह इतना ज़्यादा जो है वो ग्रेसफुली वर्क करता हो। आपको बताते चलें कि उसके करण जौहर के हवाले से खास खबर सामने आ रही है। करण जौहर के हवाले से एक इंटरेस्टिंग खबर ये सामने आ रही है, करण जौहर को स्पॉट किया गया दुबई में, जहाँ बिलाल लाशारी की मूवी द लेजेंड ऑफ मौला जट को वॉच करते हुए स्पॉट किए गए। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट और एक ऑनर की बात है पाकिस्तानी मूवीज़ के लिए, पाकिस्तानी सिनेमा के लिए। फिर करण जौहर की अगर बात करें तो करण जौहर हमेशा से ही फवाद खान को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा उनके काम को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। यही वजह है कि करण जौहर ने अपनी फिल्म में भी फवाद खान को साइन किया और फवाद खान उनकी फिल्म में भी नजर आए, जो एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। बताते चलें कि द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान की वन ऑफ दी फेमस फिल्मों में से एक फिल्म करा दी गई और डे बाई डे इसकी मशहूरियत और मुख्तलिफ किस्म के रिकॉर्ड कायम करती हुई नजर आ रही है फिल्म मौला जट। आपको बताते चलें भी उसकी द लेजेंड ऑफ मौला जट के स्टार कास्ट में शामिल है फवाद खान, हमजा अली अब्बासी और माहिरा खान। आपको बताते चलें भी उसके अब तक बहुत सारे रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर चुकी है और बहुत सारे रिकॉर्ड जो है वो कायम भी कर चुकी है ये मूवी, और आने वाले डेज में भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल साबित होने वाली है ये मूवी। इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर जो हैं वो बिलाल लाशारी हैं, और क्लासिक फिल्म ऑफ पाकिस्तान सिनेमा मौला जट का रीमेक के तौर पे ये फिल्म जो है वो कंसिडर की जा रही है, द लेजेंड ऑफ मौला जट। काफ़ी सारे डिलेज और मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन और हर्डल्स से गुजरने के बाद फाइनली ये फिल्म जो है वो सिनेमा घरों में दिखाई दे रही है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर रही है, और इंटरनेशनली भी मुल्कों में की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा बिजनेस करते हुए दिखाई दे रही है। करण जौहर की बात की जाए तो करण जौहर की फिल्मों का हर कोई फ़ैन है। आपको बताना चलें उसके करण जौहर की स्टोरी में जो खास किस्म की खूबसूरती नज़र आती है, ख़ास किस्म की बॉन्डिंग नज़र आती है उनके करेक्टर्स में, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है हर व्यूवर को। और अगर कहा जाए तो करण जौहर की कुछ फिल्में तो इतनी ज़्यादा सुपर डुपर हिट हैं और पसंद की जाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि वो हर जनरेशन का इंसान जो है वो हर जनरेशन का व्यूअर जो है वो उन्हें पसंद करता है, चाहे वो किस भी जनरेशन से ताल्लुक़ रखता हो। वो दो फिल्में जो स्पेशली कुछ कुछ होता है और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो ऑल टाइम फेवरेट है तमाम व्यूअर्स की। शेयर करेंगे मजीद अपडेट्स वाइज, प्लीज़ बने रहिएगा मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, चैनल पर कुछ ना दिखते, आप इसे अपडेट होते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।